हेलो फ्रेंड्स, आपने सीडीपी में इवैल्यूएशन चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। इवैल्यूएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो इवैल्यूएशन में जनरली असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि बच्चे को कितना आता है उस टॉपिक के बारे में, तो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। और ये सीखने के लिए होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है और फीडबैक के लिए होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? किसी भी टॉपिक के जब हम एंड में इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव से जोड़ के देखते हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव से जोड़ के देखते हैं। फॉर्मेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ फीडबैक के लिए होता है, समेटिव एंड आउटपुट रिजल्ट के लिए होता है कि बच्चे का फाइनल रिजल्ट होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट होता है, इसमें बच्चा खुद का आकलन करता है और टीचर का काम क्या होता है, वो फैसिलिटेटर का काम करता है। इसमें बच्चे और या फिर पीयर्स एक दूसरे का आकलन करते हैं, तो इसे पीयर असेसमेंट भी बोलते हैं। असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट इन लर्निंग टीचिंग के दौरान ही होता है। असेसमेंट इन लर्निंग जनरली आपने देखा होगा एनसीईआरटी में साइड में, उसमें मतलब किसी भी चैप्टर के साइड में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है? असेसमेंट इन लर्निंग है कि मतलब टीचिंग के साथ साथ इवैल्यूएशन भी चल रहा बच्चे का, तो ये असेसमेंट इन लर्निंग होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।